हजरत सैयदना अबू हाजिम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक आदमी ने मुझे एक इबरतनाक वाकया बताया। उसने कहा, एक बार एक खतरनाक जंगल में मुझे रात हो गई। मैं जिधर देखता हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं था। चलते चलते मुझे जंगल में दो झोपड़ियां नजर आई, तो मैं उस झोपड़ी के पास गया और बुलंद आवाज से सलाम किया, तो झोपड़ी से एक नौजवान औरत और एक बुढ़िया बाहर आई। मैंने उनसे कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, क्या रात को खाने के लिए कुछ मिल सकता है? तो उस नौजवान औरत ने कहा, अल्लाह की कसम, इस वीरान जंगल में हमारे पास कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं जो हम तुम्हें खाने के लिए दे सकें, और ना ही कोई हलाल जानवर है जिसको जबाह करके तुम्हारी मेहमान नवाजी की जा सके। मैंने कहा, फिर तुम दोनों का इस वीरान जंगल में कैसे गुजर बसर होता है? तो उस औरत ने कहा कि अल्लाह की अता से और उसके नेक बंदों और मुसाफिरों के सहारे हमारी जिंदगी के दिन गुजर रहे हैं। ये सुनकर मैं वहाँ से कुछ दूर जाकर बैठ गया। जब आधी रात गुजर गई तो अचानक एक जानिब से गधे की चीखने की आवाज आने लगी और वो आवाज मुझे सुबह तक सुनाई देती रही। मैंने वो रात जाग कर गुजारी और सुबह होते ही मैं उस जानिब चल दिया जहाँ से आवाज आ रही थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो अजीबो गरीब मंजर देखा, मैं हैरान रह गया। वहाँ एक कब्र था जिसमे एक गधा गर्दन तक दफन था। उसके सर और पीठ से मिट्टी हट चुकी थी। इस भयानक मंजर को देखकर मुझ पर कपकपी तारी हो गई। मैं वहां से वापस आ गया और उन दोनों औरतों के पास पहुंचकर गधे और कब्र के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, अगर तुम उसके बारे में न जानो तो ठीक है। मैंने कहा, नहीं, मैं उस भयानक मंजर के बारे में जरूर जानना चाहता हूँ, मुझे इस सूरत हाल से आगाह करो। उस औरत ने कहा, अच्छा, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो, वो गधा जो तुमने कब्र में देखा वो मेरा सोहर है और इस बुढ़िया का बेटा। मेरा ये सोहर अपनी माँ का बहुत नाफरमान था। मैंने आज तक इससे ज्यादा नाफरमान बेटा दुनिया में किसी और का नहीं देखा। जब भी इसकी माँ इसे बुरे काम से मना करती तो वो अपनी माँ से बदकलामी करता और कहता, दफा हो जा यहाँ से, हमेशा गधे की तरह चीखती पुकारती रहती है। आखिरकार दुखियारी माँ उससे तंग आ गई और कहा, अल्लाह तुझे गधे की तरह बना दे। जब ये नाफरमान मर गया तो हमने इसे दफना दिया। जिस दिन से हमने इसे दफन किया है उसी दिन उसका शकल गधे की तरह हो गया। माँ का नाफरमान और अपनी माँ को गधे कहने वाला अब रोजाना अपनी कब्र में गधे की तरह चीखता है और रोजाना रात को इसकी कब्र से ये आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, कितना बदनसीब है वो इंसान जो अपनी माँ को बुरा भला कहे और वो भी इस बात पर कि उसे बुरे काम से क्यों मना किया जा रहा है। ऐसे नाफरमानों का अंजाम भी ऐसे ही भयानक होता है। दोस्तों, हमें कभी भी अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है, या अल्लाह हम सबको अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।